प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह के तहत गुरुवार को जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पौधरोपण और बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष साधुराम मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं संधड़ी में रक्तदान शिविर तो बालोतरा में चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। बाड़मेर से सुरेश सिंह, समधड़ी से सुनील दवे और बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा पूरे भारत में सेवा सप्ताह के तहत 14 सितंबर से 20 सितंबर तक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाड़मेर भाजपा व किसान मोर्चा की ओर से पथमेड़ा गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा, गुड़ एवं वृक्षारोपण कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। इस दौरान बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। पूरे भारत में गुरुवार को भाजपा की ओर से उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सघन पौधरोपण करने के साथ पौधों को पनपाने की शपथ ली। वहीं दानजी की होदी क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष साधुराम मेघवाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा, नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी, प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक, पूर्व कोषाध्यक्ष प्रकाश सराफ सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं समदड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला बालोतरा द्वारा समदड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 108 यूनिट रक्तदान किया गया। सुबह से ही रक्तदान शिविर की शुरुआत से ही युवाओं में रक्तदान के प्रति जोश देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष महेश बी चौहान, शिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री खेताराम प्रजापत, बाजुमो जिला अध्यक्ष सोहन सिंह भायल, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल परिहार, भाजपा मंडल अध्यक्ष पारसमल प्रजापत, मंडल महामंत्री लक्ष्मण सिंह कोठड़ी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं रक्तदान शिविर में फोटोग्राफी एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र रांकावत के नेतृत्व में कस्बे के 20 फोटोग्राफरों ने भी रक्तदान किया और उन्होंने संकल्प लिया कि रक्तदान के प्रति सभी को जागरूक करेंगे। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिवस 17वां जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा समझड़ी में जो मनाया गया, इसमें लोगों में बहुत जोरदार उत्साह रहा और बढ़ चढ़ के युवाओं ने इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करते हुए 108 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया गया है। टीम वसुंधरा, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पार्षदों, मित्र मंडल सभी ने मिलकर मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तहत सेवा कार्यों के लिए मनाया जा रहा है। इसमें अभी हम गौशाला के अंदर गायों को चारा दिया है हमारे वरिष्ठ कार्य नेताओं के साथ में। इसी कड़ी में बालोतरा में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राजकीय नाहटा अस्पताल में मरीजों को फल वितरण, गौशाला एवं कुड़ी मठ आदि स्थानों पर गोवंश को गुड़ एवं हरा चारा वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक गणपत बाठिया ने बताया कि सेवा सप्ताह के कार्यक्रम की थीम 70 रखी गई है, जिसमें 70 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण भेंट कर 70 पौधों का रोपण किया गया। वहीं टीम वसुंधरा एवं मित्र मंडल बालोतरा ने भी कई आयोजन कर पूर्व प्रतिपक्ष नेता मदन राज चोपड़ा के नेतृत्व में गायों को हरा चारा वितरण और कोरोना योद्धा का सम्मान करने के साथ 500 मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर पार्षद हनुमान पालीवाल, पुष्पराज चोपड़ा, हनुमान घाची, कांतिलाल घाची, बाबूलाल चौधरी, महेंद्र माली, जनक गहलोत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।